दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। दोस्तों इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपको EDS से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, व्हाट्सअप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज नया क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन बंगाली मास्टर प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें कुल 40 गाने हैं और ये बॉडी प्रोजेक्ट है। जो विधि के कार्यक्रम होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं शादियों में, उस तरीके से बंगाली में भी कार्यक्रम होते हैं और मैं उनके ऊपर 40 विधि प्रोजेक्ट बना करके लेके आया हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहा था बंगाल से, और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर बंगाल के लोग रहते हैं और वहाँ के फोटोग्राफर और जो मिक्सिंग वाले हैं वो लगातार मेरे पास फ़ोन कर रहे थे पिछले लगभग 2 महीने से कि सर बंगाली प्रोजेक्ट लेकर के आइए। और उन लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों से कहा भी था कि चैनल वालों से या जो YouTube पे काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनसे, और सभी लोगों ने आश्वासन दिया था कि हाँ सर मैं बनाऊंगा, पर बना करके कोई नहीं लेके आता था। मैंने उन लोगों से वादा कर रखा था कि मैं लेकर के आऊँगा और मैं फाइनली आज आप लोगों के बीच वो प्रोजेक्ट लेकर के आ चुका हूँ। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट को आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि उसमें कौन कौन से गाने हैं और काम कैसे करना है। काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये सिनेमेटिक कट टू कट है और मैं अभी काम करने का तरीका इस पे बता दूंगा। और बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वॉल्यूम 2 प्रोजेक्ट के विषय में। इसमें टोटल 140 प्रोजेक्ट हैं, मास्टर प्रोजेक्ट, और ये टोटल कट टू कट सिनेमेटिक है। इस प्रोजेक्ट को आपको ओपन करने के बाद आपको जस्ट इस पे कॉपी पेस्ट करना है और आपकी शादी पूरी आधे से पौन घंटे के अंदर, 3 घंटे की शादी आप एडिट करके तैयार कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये उन लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है जो अभी भी छोटे कस्बे या गांव देहात में हमारे फोटोग्राफर या जो हमारे मिक्सिंग करने वाले बंधु हैं, उनको ध्यान में रख करके इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। आज भी उनके तरफ 3D इफेक्ट वाले कस्टमर हैं और वो आज भी 3D इफेक्ट में दूल्हा दुल्हन के जो फुटेज है वो ढूंढते हैं लोग। अगर उस तरीके का वो एडिट करके ना दे तो वो ये कहते हैं कि आपने तो सर जी मिक्सिंग के नाम पे कुछ किया ही नहीं, आपने तो ऐसे ही डेटा बस टाइमलाइन पे रख करके और आपने एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। तो उनको ध्यान में रख करके इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। इसमें 120 रेडीमेड प्रोजेक्ट है। इसमें भी दोस्तों आप आधे से पौन घंटे में शादी बना करके तैयार कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शादी बनाने के बाद आपको हाईलाइट बनाने के लिए, सॉन्ग बनाने के लिए और टाइटल बनाने के लिए भी प्रोजेक्ट चाहिए होता है। तो ये हमारा 4 कॉम्बो पैक है जिसमें टीजर, हाईलाइट, सॉन्ग और टाइटल, ये पूरा कंप्लीट है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, जस्ट डबल क्लिक करना है, नाम को एडिट करके कंट्रोल एस करते जाना है। आप 15 मिनट के अंदर कस्टमर का नाम टाइप करके तैयार कर देंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों आप पढ़ पा रहे होंगे सामने, 10 टाइटल प्रोजेक्ट, 10 सॉन्ग प्रोजेक्ट, 5 टीजर प्रोजेक्ट और 5 हाईलाइट, ये कंप्लीट आपको इसमें मिलता है। दोस्तों सारे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर कुछ आपको जानकारी मेरे से चाहिए या कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से फोन करके बात कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट वॉल्यूम 2, ये डेटा तकरीबन 5.5 GB है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड का, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और 3D इफेक्ट वाला ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट दोस्तों ये 21 GB में डाटा है, 21, इसको आप अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं या नहीं हो पाता है तो आप इसे पिन ड्राइव में भी मेरे पास से मंगवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों टीज़र, हाईलाइट, सॉन्ग और टाइटल, ये टोटल 10 GB का डेटा है, इसका भी डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड करने में असमर्थ हैं तो आप इसे कोरियर से भी हमें फोन करके बता करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों अभी जो ये प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, जो देखा, ये सारे प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा वीडियो मेरे चैनल पे है और डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा या मेरे से फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है या आपके यहाँ इंटरनेट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकें, 17 GB, 10 GB, 8 GB आप डेटा अगर नहीं डाउनलोड कर पाते हैं और आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट आप तक पहुंचे, तो आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर देंगे और मैं उस डेटा को पेनड्राइव में डाल करके 32 GB या 64 GB जितना स्पेस चाहिए होगा मैं आपके एड्रेस पे उसको कोरियर कर सकता हूं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस बंगाली प्रोजेक्ट को कि हम कैसे काम करेंगे और इस पे काम करना कितना आसान है, गाने कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और बाकी जानकारी देने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को गाना चेक करा दूं कि इसमें गाने कितने हैं, इसके नाम क्या हैं।
आइए जानने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं EDS। दोस्तों ये EDS के किसी भी वर्जन पे आप चला सकते हैं, EDS 7, EDS 8, EDS 9 या EDS 10, ये सारे वर्जन पे काम करेगा। इसमें कोई डोंगल वगैरह आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही काम करेगा। ये प्रोजेक्ट मेरा दोस्तों रिसेंट में ही है, मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों काम कैसे करना है ये जानकारी देने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने इसको 5 भाग में बांट रखा है और हर एक फोल्डर के अंदर 8-8 गाने हैं, टोटल 40 गाने हैं, ठीक है। और गाने क्या हैं ये मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको पहले पढ़ लें और उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा और इसके डिज़ाइन को दिखाऊंगा और कट टू कट है तो काम कैसे करना ये भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों वीडियो को पूज करके आप पूरा गाना पढ़ सकते हैं। ये पहला फोल्डर था, ये हमारा दूसरा फोल्डर है, वीडियो पूज करके आप पूरा गाना पढ़ सकते हैं और ये सारे बंगाली हैं। ये हमारा तीसरा फोल्डर है, इसमें भी 8 गाने हैं, वीडियो पूज करके आप ये भी सारा गाना पढ़ सकते हैं। ये हमारा चौथा फोल्डर है, वीडियो पूज करके आप ये भी सारा गाना पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत देर तक अगर इसको स्क्रीन पे ऐसे छोड़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये हमारा 5 नंबर फोल्डर है, आप इसको भी पूरा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको भी पूरे गाने को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे सारे गाने जो कि 40 गाने हैं पूरा कंप्लीट कट टू कट। अब रहेगी बात दोस्तों कि इस पर डिज़ाइन कैसा बना है, काम कैसे करना है, इसके विषय में मैं बता दूँ। आप जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे और आपका ये सामने खुल करके आ जाएगा। इम्पोर्ट सीक्वेंस वाला है, ये कट टू कट बना हुआ है सारा डिज़ाइन, आप देखिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस के अंदर आपको वीडियो इंपोर्ट कर देना है और ये डिज़ाइन ऑटोमेटिक कट टू कट तैयार हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सारे गाने कट टू कट बने हुए हैं। काम करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वीडियो है, मैं कोई यहाँ पे वीडियो ले लेता हूँ थोड़ी देर का, मैं कोई छोटा सा क्लिप ले लेता हूँ दोस्तों, हम इसे टाइमलाइन पे ला करके रख लेंगे और हम इसका एक सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं। दोस्तों सीक्वेंस तैयार करने का तरीका क्या है, सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट में जाएंगे, ऐड सीक्वेंस टू बिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा सेलेक्टेड क्लिप, ये हमारा बिन के अंदर आ गया। यहाँ से वापस हम इसको कर देंगे डिलीट और यहाँ से ला करके यहाँ पर हम अपना टाइमलाइन पे रख लेंगे। एक ये भी तरीका है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को पूरा ऑल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट एज सीक्वेंस का ऑप्शन आ जाता है। इसमें कोई अलग से कोई फोटो वगैरह होगा तो इसलिए वह सेट सीक्वेंस नहीं आ रहा। देखिए इसमें फोटो भी है दोस्तों, अगर फोटो या कोई भी ऐसा फाइल जो अलग फ्रेम पर शूट कर दिया गया है तो आप उसको सीक्वेंस में सेट नहीं कर पाएंगे। आइए वापस हम देखते हैं इसको कि क्या ये सेट हो जाता है सीक्वेंस में, ये एक नई जानकारी आप लोगों को मिल भी जाएगी। ये देखिए ये हमारा हाईलाइट हो गया, ये हमारा सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे सीक्वेंस में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए काम करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए हमें इस वीडियो को इसके अंदर पेस्ट करना है, मैंने एक गाना यहाँ पे टाइमलाइन पे लगा दिया, इस गाने को हमें इस पे लगाना है, हम क्या करेंगे इतने दूर का वीडियो हम कटिंग करके उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और जस्ट पेस्ट करने के बाद तुरंत वो हमारा फाइल एडिट हो जाएगा, ठीक है। आइए ये हम कॉपी करके और यहाँ पे ये जो जाली बनी हुई है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट हमें सिर्फ पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा ये वाला, हम ऑडियो म्यूट कर देते हैं दोस्तों, कॉपीराइट वगैरह का बड़ा पंगा है आजकल यूट्यूब पर। ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरा कट टू कट डिज़ाइन तैयार है। गाने मैंने आप लोगों को जूम करके दिखा दिया है, गाने आप देख लीजिएगा वहाँ पर। एडिटिंग तो आप लोग मेरा देखते ही हैं हमेशा, कट टू कट हमेशा बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया हुआ है तो डेमो वगैरह लगाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाने पढ़ के भी जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं उनको गाने पता लग जाएगा कि हाँ गाने क्या हैं। एडिटिंग से मेरे आप लोग वाकिफ़ हैं, डिज़ाइन आप लोगों के सामने है, कट टू कट है, बिट टू बिट बिल्कुल सिनेमेटिक तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और ये शादी में आपके 4 चांद लग जाएगी। बाकी किसी तरह की अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मेरे से आप सवाल कर सकते हैं। टोटल सिनेमेटिक है, कट टू कट है और सारे इफेक्ट लगे हुए हैं, रेडीमेड कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। दोस्तों अब थोड़ी सी आगे जानकारी और ले लेते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 40 गाने हैं, बगैर हिंदी गाना लगाए
आप चाहें कि पूरी बंगाली शादी बना ले कंप्लीट, तो 3 घंटे की शादी बनाना मुश्किल है, तो हिंदी गाना मिला करके ही, चाहे वो पंजाबी शादी हो या बंगाली शादी हो या मद्रासी हो, मतलब भारत के किसी भी कोने के शादी जो बनते हैं अपने भारत के अंदर, तो हिंदी गाना तो वहाँ लगते ही लगते हैं। थोड़ा सा उसमें बंगाली, पंजाबी या मराठी जो कल्चर है वहाँ का, वो उसमें गाने मिक्स करके उसको तैयार किया जाता है। तो अगर आपने मेरा वॉल्यूम 2 ले रखा हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, या आपने मेरा 3D वाला या सिनेमेटिक वाला, अगर आपने ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट ले रखा है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर इसको मैं जोड़ लूँ, तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जोड़ेंगे कैसे, आप यहाँ पर जस्ट चले जाएंगे, मैं बताता हूँ। ये सारा सीक्वेंस मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद, और मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मास्टर प्रोजेक्ट आपने लोड कर रखा हुआ है 3D वाला, ठीक है। इसमें आपको बंगाली वाला लोड करना है, करेंगे क्या, आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने बंगाली प्रोजेक्ट अभी आपने लेकर रखा है और हिंदू वाले में जुड़ना है, तो उसके प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट सीक्वेंस करके ओपन कर लेंगे, और ये इंपोर्ट टू बिन ये चेक मार्क होना चाहिए, तो आपका ये लोड भी हो जाएगा और बिन के अंदर आ भी जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा यहाँ से नीचे ये हमारा दोबारा लोड हो गया। तो ऐसे आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको इंपोर्ट सीक्वेंस करके उसमें लोड करके हिंदू शादी के साथ या पंजाबी शादी के साथ अगर आप बनाते हैं, तो उसमें आप इस प्रोजेक्ट को जोड़ करके इन 40 गाने को हिंदू गानों के साथ जोड़ करके आप अपना पूरा बंगाली प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट बना करके पार्टी को दे सकते हैं फटाफट आधे घंटे के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और अगर मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको वाकई में इंतजार था इस प्रोजेक्ट का, और आपको अगर मिला तो फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी दोस्तों प्रोजेक्ट का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसको डाउनलोड करने के लिए कितना डेटा चाहिए होगा। तो आइए हम देखते हैं, ये हम कंप्रेस फाइल मैंने कर रखा है जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये 3.65 तकरीबन 4.25 GB आपको डेटा लगेगा इसको डाउनलोड करने के लिए, और ये टोटल 3 पार्ट में है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होती है या ऐसा लगता है कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या इंटरनेट की आपके पास उतनी अच्छी स्पीड नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बताएंगे, मैं आपको पेनड्राइव में डाल करके आपके एड्रेस पे मैं इस डेटा को कोरियर भी कर सकता हूँ। दोस्तों बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। बाद बाकी दोस्तों ये चैनल आपको अगर नई जानकारी देता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नया आप सीख रहे हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसी तरीके की आपको जानकारी वेडिंग से संबंधित इस चैनल पे हमेशा मिली है और मिलती रहेगी। दोस्तों मैं हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहता हूँ कि आप लोगों की हर तरीके से मैं मदद करूँ। तो दोस्तों इस चैनल के लिंक को और भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ करके लाभ ले सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। बाकी किसी तरह की अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक खास जानकारी और दे दूं कि जो पीछे मेरे पहले वाले जितने भी सारे प्रोजेक्ट थे वो नए वाले चैनल पे नहीं है, जिस चैनल पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आपको पुराना वाला सारा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस चैनल का नाम है EDS प्रोजेक्ट डेवलपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओल्ड चैनल के नाम से। आप उसको क्लिक करके और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस पर अपलोड सारे वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने काम में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।